मैं यहां से इसे ओपन कर लेता हूं। तो अब यहां से इसका एक जिप लॉक दिया हुआ है, उस जिप लॉक को भी हम ओपन कर लेते हैं यहां से। ये रहा प्रोटीन आपका बिल्कुल सेफ। ऊप स्कूप देख लेते हैं कैसी निकलती है इसमें। ये पानी की क्वांटिटी कम ज्यादा आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होने वाली है। स्कूप और मैं डालता हूं इसमें, ये मिक्स हो गया है और मैं से अब टेस्ट कर लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स मिला। और दोस्तों यहां पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट खरीदते टाइम का काफी काम आने वाली है। तो दोस्तों आज हम फिर आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आज की वीडियो में आप ही की रिक्वेस्ट पर हम ओपनिंग, मिक्सिबिलिटी टेस्ट सारी चीजें करने वाले हैं बॉडी बिल्डिंग वेयर हाउस के प्योर आइसोलेट प्रोटीन की। दोस्तों इसकी वीडियो कुछ दिन पहले हमने डाली थी, तो आपकी रिक्वेस्ट आई कि सर इसकी ओपनिंग भी करके दिखाइए, मिक्सिबिलिटी दिखाइए कैसा है कैसा नहीं है, कैसे हम ट्रस्ट करें ये अच्छा है प्रोटीन नहीं है, मिक्सिबिलिटी कैसी है। तो मैंने सोचा कि चलिए आपकी रिक्वेस्ट जो है सबसे पहले और उसी को लेकर जो है ये वीडियो बन रही है। आज हम इसकी ओपनिंग और सारी चीजें ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई हमारा नया सब्सक्राइबर, कोई हमारी फैमिली का नया मेंबर जुड़ा हो हमसे नया और वो ये वीडियो पहली बार देख रहा हो, पुरानी वीडियो से ना देखी हो। तो दोस्तों ये बॉडी बिल्डिंग वेयर हाउस जो है यूके का ब्रांड है जिसका ये प्रोटीन है प्योर आइसोलेट प्रोटीन, जो कि इंडिया में मैं ये नहीं कहूंगा बहुत पुराने टाइम से काम कर रहा है, बट स्टिल जो है लास्ट ये एक साल से इंडिया में काम कर रहा है और काफी अच्छा खासा नाम ये कमा रहा है। और दोस्तों इसमें जो प्लस पॉइंट है, जो रिव्यूज आ रहे हैं वो है डाइजेशन को लेकर, कि डाइजेशन काफी इजी है, प्लस में पीने के बाद में ना बिल्कुल ऐसा नहीं लगता जैसे पेट भरा भरा ब्लॉटिंग टाइप कुछ होता है, तो वो बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, तो डाइजेशन इश्यू इसमें बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। दोस्तों इसमें आपको जो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 1 ग्राम से भी कम है, मतलब ना के बराबर है ही नहीं। तो अगर आपका गोल है लीनिंग, कटिंग, फैट लॉस, वेट लॉस, तो आपके लिए दी बेस्ट सप्लीमेंट रहने वाला है। और अगर आप आइसोलेट प्रोटीन में कुछ अच्छा ट्राई करना चाहते हैं, ज्यादा सर्विंग वाला प्रोटीन, तो इसे एक मौका दिया जा सकता है। और दोस्तों यहां पर एक जो विशेष बात है वो ये कि ये फीमेल्स के लिए भी अच्छी चॉइस रहने वाली है, क्योंकि फीमेल्स को जितने भी अदर जो आइसोलेट प्रोटीन है उसमें ब्लॉटिंग की समस्या शायद ज्यादा रहती है, तो इसमें जो है वो समस्या नहीं है, तो फीमेल्स के लिए भी ये काफी अच्छी चॉइस है जो भी जो फिजिकल वर्कआउट करती हैं उनके लिए। तो यहां पर अगर हम सप्लीमेंट फैक्ट्स पर नजर डालते हैं तो कंपनी ने बताया हुआ है कि इसकी जो सर्विंग है वो है 25 ग्राम की, टोटल सर्विंग यहां दी हुई है 80, तो 80 दिन चलने वाला है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है एक बार ले लो गई 80 दिन की, मतलब 2-2.5 महीने 3 महीने ऑलमोस्ट चलेगा आपका। एक सर्विंग में आपको एनर्जी मिल रही है 97 कैलोरी, सिर्फ प्रोटीन मिल रहा है 22.5 ग्राम, ऑलमोस्ट 22.5 ग्राम प्लस में जा रहा है यहां पर, 22.8 ग्राम मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं यहां पर 0.87 ग्राम, इसमें एडिड शुगर 0 ग्राम, फैट 0.44 ग्राम, इसमें आपको फाइबर मिल रहे हैं 0.28 ग्राम और सॉल्ट 0 ग्राम। तो यहां आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट 1 ग्राम से भी कम है, ना के बराबर है ही नहीं, और प्रोटीन आपको जो है 25 ग्राम में 22.8 ग्राम मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अब दोस्तों यहां पर इंग्रीडियंट्स देखे तो बताया हुआ है कि वे प्रोटीन आइसोलेट इसमें आपको मिल रहा है और सर्विंग साइज एक ही स्कूप 25 ग्राम की मैं बता ही चुका हूं। नेट वेट है इसका 2 किलो और यहां पर कंपनी की पूरी जो इंफॉर्मेशन दी गई है bodybuildingwarehouse.co.uk, यूके गवर्नमेंट सर्टिफाइड है ये और मैन्युफैक्चर्ड बाय बॉडीबिल्डिंग वेयरहाउस मैनचेस्टर यूके। और यहां पर जो है इसके ऑथराइज इंपोर्टर हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि इंपोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया बाय पिनाकी इंडिया, पूरा एड्रेस, ऑफिशियल लाइसेंस नंबर, सारी चीजें दी गई हैं। तो ये आपके पास हो गया है बॉडी बिल्डिंग वेयर हाउस का प्योर 95 वे प्रोटीन आइसोलेट, प्योर वेज प्रोटीन है ये। तो दोस्तों लीनिंग, कटिंग, फैट लॉस गोल के लिए काफी अच्छी चॉइस है। अब हम करते हैं इसकी ओपनिंग, मिक्सिबिलिटी टेस्ट, देखते हैं क्या है इसमें, कैसी इसकी मिक्सिबिलिटी है, क्या इसका टेस्ट है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फेक और ओरिजिनल में डिफरेंस रखना है आपको, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज आपको नोटिस करनी है। मैं आपको बता दूं क्योंकि दोस्तों नो डाउट अभी ब्रांड जो है नया है इंडिया में और नाम कमाने लगा है, और जैसे ही ये थोड़ा पॉपुलर होगा, और मे भी शायद हो सकता है कि फेक माफिया ने इसकी कॉपी मार्केट में उतार ही दी हो, क्योंकि जैसे जैसे कोई ब्रांड पॉपुलर होने लगता है उसका नाम जुबान पे आने लगता है सभी की, तो दोस्तों तब फेक माफिया एक्टिव होकर उसकी कॉपी निकाल देता है और देन वो ग्रैब करना स्टार्ट करता है बिगनर्स को स्पेशली। तो अब जो है बॉडी बिल्डिंग वेयर हाउस का जो ये प्रोडक्ट है प्योर आइसोलेट, नो डाउट इसके डाइजेशन को देखकर जो इसकी पॉपुलरिटी आ रही है, तो मे बी शायद इसकी कॉपी जल्दी ही मार्केट में आ गई हो या आ चुकी है या फिर आपको ना मिल पाए, तो उसके लिए पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपको
जो इंपोर्टर का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, पूरा जो इंपोर्टर का इंट्रोडक्शन है वो दिया हुआ है स्टीकर के ऊपर। उसके ऊपर एक ही स्टीकर आपको ये मिलेगा, ये आप देख रहे हैं, ये मेन स्टीकर है, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, सिंपल पीछे क्वालिटी सर्विस रिजल्ट है, कुछ भी इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है। और बॉडी बिल्डिंग वेयरहाउस .co.uk यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है, और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चर्ड बाय सारी चीजें दी गई हैं। तो ये स्टीकर आपको अच्छे से पहचान लेना है, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है, ये स्टीकर आपको देखना है पूरा। और इसके अलावा पैकिंग आपको देखनी है, पैकिंग की क्वालिटी आपको देखनी है, बिल्कुल फाइन क्वालिटी है इसकी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। पैकेट की क्वालिटी देखकर ही आपको पता लग जाएगा हाँ भाई की पैकिंग जो है कितनी अच्छी हो रही है इसकी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइड में जो इसके बॉर्डर्स हैं, एक तरफ तो जो है लिखा हुआ है बॉडी बिल्डिंग वेयरहाउस .co.uk, और दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डॉट डॉट्स में कुछ डिजाइन दिया गया है। इस टाइप का डिजाइन होना चाहिए, आप ये डिजाइन देख लीजिए जरूर, ये आपको देखना है। और पूरा ये जो है ऑरेंज कलर है, और नीचे जो देख रहे हैं आप, नीचे जो इसका यहाँ पर देख रहे हैं सिल्वर कलर की जो है नीचे पैकिंग आएगी। तो आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट्स, कुछ मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो है जीएसटी बिल। जैसे ये सप्लीमेंट मिलाकर जीएसटी बिल है, जिसके ऊपर सप्लीमेंट मिलाकर जीएसटी नंबर, एफएसएल लाइसेंस नंबर, स्टैंप सिग्नेचर, आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स पे किया है, सारी चीजें मेंशन है। बिना जीएसटी बिल के ओरिजिनल सप्लीमेंट्स नहीं मिल सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे तो फेक सप्लीमेंट से बच जाएंगे। हमको पहले से पहले ही सावधान रहना है फेक माफिया के अगेंस्ट। इसके प्राइस की बात कर लेते हैं तो एमआरपी तो इसका दिया हुआ है 9199, पर सप्लीमेंट मिला पर सेलिंग प्राइस है इसका 6000 rupees 80 सर्विंग। तो आप इसे ले सकते हैं। अब हम इसकी ओपनिंग करेंगे, मिक्सिबिलिटी टेस्ट सारी चीजें जानेंगे आप ही की रिक्वेस्ट पर। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। यहां से ओपन करने के लिए ये यहां पे मार्क दिया हुआ है, मैं यहां से इसे ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों आपको ये आराम से ओपन करना है, क्योंकि इसमें जिप लॉक है, वो जिप लॉक जो है खराब नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। तो अब यहां से इसका एक जिप लॉक दिया हुआ है, उस जिप लॉक को भी हम ओपन कर लेते हैं यहां से। तो ये जिप लॉक ओपन करते ही ये मैंने ओपन कर लिया है, और काफी टाइट सील है इसकी। यहां पर ये रहा प्रोटीन आपका बिल्कुल सेफ। तो ये रहा प्रोटीन, और ये रही इसकी स्कूप। स्कूप देख लेते हैं कैसी निकलती है इसमें। ये ट्रांसपेरेंट स्कूप है बिल्कुल, ये रही। अब जो है हम इसको एक स्कूप लेते हैं आपके लिए, मैं दिखा रहा हूं इसे मिक्स करके। पानी की क्वांटिटी कम ज्यादा आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होने वाली है। दोस्तों ये यहां पे आप देख रहे हैं, एक स्कूप में मिक्स कर लेता हूं। ये रहा एक स्कूप, और मैं डालता हूं इसमें। दोस्तों मिक्सिबिलिटी ओपन सारी चीजें मैं आपको इसलिए करके दिखाता हूं ताकि आप फेक माफिया से बच सके, ओरिजिनल सप्लीमेंट ही ले सके, आपको पता लग सके, आप ज्यादा से ज्यादा जान सके सप्लीमेंटेशंस के बारे में। और आपको जो है सपोर्ट करना है सप्लीमेंट विला फैमिली को, आपको ग्रोथ कराना है। कैसे ग्रोथ कराएंगे कि हम जितनी ज्यादा फैमिली जुड़ेंगे, जितने ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं कहूंगा मैं फैमिली कहूंगा, जितने ज्यादा हमारी फैमिली ग्रोथ करेगी उतना हम मजबूती से खड़े होंगे फेक माफिया के अगेंस्ट। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है, कितना इजीली मिक्स हो गया है, मिक्सिबिलिटी इजी होनी चाहिए इसकी। ये मिक्स हो गया है, और मैं इसे अब टेस्ट कर लेता हूं। दोस्तों टेस्ट मैं कहूंगा काफी फाइन टेस्ट है, मिठास मैं कहूंगा बिल्कुल बीच वाले लेवल की है, ना इतनी कम है कि आपको पता ही ना लगे, ना इतनी ज्यादा है कि आप कहें यार ये तो बहुत मीठा है। तो बिल्कुल फाइन है मिठास। बाकी वैसे मुझे थोड़ा सा तेज मीठे वाले फ्लेवर्स अच्छे लगते हैं, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूं, क्योंकि हर किसी की पसंद अलग होती है टेस्ट के मामले में। चॉकलेट ये स्मूथ फ्लेवर है, चॉकलेट का काफी अच्छा फ्लेवरिंग किया हुआ है। एक बार और टेस्ट करता हूं मैं, नो डाउट चॉकलेट का काफी अच्छी फ्लेवरिंग है, मिठास बिल्कुल ठीक है। अगर आपको मीडियम लेवल की मिठास अच्छी है लगती है, चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगता है, तो आप इसे जरूर इंजॉय करने वाले हैं। तो ये हो गया है आपका ओपनिंग, मिक्सिबिलिटी मैंने बता दी है। तो अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो भाई मुझे तो मैंने बता दिया तेज मिठास वाला थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाकी मैं इसे दूंगा 70 out of 100। मे भी शायद आप इसे 100 out of 100 दें, क्योंकि टेस्ट अभी का अलग अलग होता है। तो ये मैंने आपको जो है इसकी ओपनिंग मिक्सिबिलिटी सारी चीज करके दिखाई, इसलिए ताकि आप जान सकें, इसको पहचान सकें, और कॉपी आपको ना मिल पाए, आप जो है सावधान रह सकें। तो दोस्तों आप इसका ऑर्डर डाल सकते हैं, सप्लीमेंट विला पर मिलेगा ये आपको 100% ओरिजिनल। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार इनको जो है ना थोड़ा कंटेनर में अगर देते तो अच्छा रहता, बाकी पैकेट में थोड़ा हो सकता है लुक की वजह से दिया हो इन्होंने। अगर आप इसे आपके पास कंटेनर हो कोई खाली प्रोटीन श्रोटीन का पहले रखा हो आपका, तो इसमें डाल लेंगे तो बेटर रहेगा एयर टाइट में।
क्योंकि उसमें फिर जो है ना मॉइस्चर वगैरह जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। इसमें में भी शायद प्रॉब्लम आ सकती है, कंपनी को जो है कंटेनर में देना चाहिए था। हम जो है इसके लिए बोलेंगे कि यार कंपनी कंटेनर को क्यों ना थोड़ा अच्छा बनाए, क्योंकि पैकेट में यार यही प्रॉब्लम होती है। तो आप जो है इसे जरूर ट्राई करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी, फिर भी कुछ रह गई हैं तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको अवेयर रखेंगे मार्केट में अवेलेबल सप्लीमेंट से। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते।